भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहला टेस्ट मुकाबला और यहां पर बारिश की वजह से दूसरे दिन का थोड़ा सा खेल जरूर हुआ था, लेकिन बारिश ने फिर से रोक दिया है। 13 रनों पर 3 विकेट गिर चुके हैं और ऐसा कहिए कि भाई भारत बारिश अभी इंडिया को बचा भी रही है, क्योंकि जिस तरीके से कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीता, पहले बैटिंग का फैसला लिया और उनका जो मानना था कि भाई विकेट जिस तरीके से है हम उसका फायदा उठाएंगे क्योंकि यहाँ पर मुश्किल रहेगी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जो फैसला है रोहित शर्मा का वो टीम इंडिया के खिलाफ ही चला गया, क्योंकि जायसवाल जितनी देर तक बल्लेबाजी करते यहाँ पर देखिए हर बॉल पे लग रहा था कि आउट होने वाले हैं। विराट कोहली भी अगर आप देखें जिस तरीके से बाउंस ही बॉल आउट हो गए, सरफराज को समझ में नहीं आया, इसके अलावा रोहित शर्मा भी जब तक क्रीज पर रहे तब तक मुश्किल ही रहा, और अभी तक अगर आप देखें भारत के 12 रन बने हैं इसमें एक भी बाउंड्री नहीं लगी है, एक भी बाउंड्री नहीं लगी। और भाई जितने भी बल्लेबाज अभी तक खेले हैं ना सब परेशानी में दिखे हैं, खासकर की बाउंसर्स पर, क्योंकि आप देखो जो उनके गेंदबाज हैं किंग सऊदी की बॉल बहुत ज्यादा मूव कर रही थी स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग से रोहित शर्मा को उन्होंने जिस तरीके से सेट किया पहले सारी बॉल बाहर लेकर गए और फिर एकदम सेम स्विंगर आती है रोहित शर्मा चकमा खा जाते हैं। उसके बाद विराट कोहली भी जो शॉट उन्हें बैक फुट पे खेलना था वो फ्रंट फुट कमिट कर रहे थे क्योंकि भाई स्विंग को तोड़ना था भाई तो फ्रंट फुट पे खेलना था, लेकिन वो फ्रंट फुट पे बैक फुट वाली गेम खेल गए आउट हो गए। और यहाँ पर वही इसीलिए लगातार अगर आप देखेंगे सोशल मीडिया इस वक्त की अगर बात करें, पहले तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर दे रहा हूँ कि आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि हम लाइक कर रहे हैं तो लाइक करेंगे आप तो ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा, तो प्लीज आप लोग लाइक करें। और यहाँ पर अगर आप देखिए जो स्कोर बना हुआ है मतलब 10 रनों पर 3 विकेट, ये भारत का 2018 के बाद से दूसरी बार ऐसा है कि भारत का सबसे लोवेस्ट स्टार्टिंग के विकेट गिरे हैं। आदत ही नहीं है भाई, आदत ही नहीं है, मतलब अगर आप देखिए अभी हमने कैसे हरा रहे थे बांग्लादेश को, इस तरीके से पिटाई हो रही थी और यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि मुश्किल आएगी इंडिया को, तो यहाँ पर देखना पड़ेगा कि मुकाबला आगे कैसा बढ़ता। लेकिन सवाल ये भी कि क्या रोहित शर्मा के फैसले ने टीम इंडिया यहाँ पर फंसा दिया? अभी तक जिस तरीके का खेल चला है ना उससे तो बिल्कुल यही लग रहा है कि ये जो फैसला उन्होंने लिया था वो उल्टा ही पड़ता नजर आ रहा है, क्योंकि सोचा हमने यही था कि भाई ठीक है स्टार्टिंग में थोड़ा वक्त लेंगे रोहित शर्मा या सचिन जायसवाल, हालांकि ये दो खिलाड़ियों का नाम ही ऐसा है कि वक्त लेना जानते ही है, लेकिन उल्टा हो गया भाई, विकेट पे विकेट लगातार टॉप ऑर्डर पूरी तरीके से कोलैप्स हो गया, तो ये जो डिसीजन था मुझे लगता है वो उल्टा ही नजर आ रहा है फिलहाल। तो कई सारी चीजें अगर आप देखेंगे चाहे वो विराट कोहली का आउट होना, विराट कोहली खाता नहीं खोल पाया, ये भी अगर आप देखें लगभग 32 इनिंग के बाद ऐसा हुआ कि विराट ने बिल्कुल भी मतलब डक पर आउट हुई, अच्छा नंबर भी उनका चेंज किया गया, नंबर चेंज किया गया, चौथे पे उतरते थे इस बार आज तीसरे नंबर पे खेलने हैं, नंबर शूट नहीं किया उनको शूट किया वो करता भी, जिनके रिकॉर्ड्स भी अगर हम देखें ना तो तीसरे नंबर पर उनके इतने ज्यादा कुछ खास रिकॉर्ड है नहीं, उन्होंने अपने मतलब करियर में सबसे ज्यादा चौथे नंबर पर ही खेला, वहीं पर सक्सेसफुल है। पर यहां पर अब यहां पर शुभमन गिल नहीं थे तो उनको आना था नंबर 3 पर ही, और सरफराज भी आए वो भी तुरंत ही चले गए, अब कहीं ना कहीं देखिए इस पर सवाल उठने लग जाएंगे भाई सरफराज डोमेस्टिक में जो अच्छा करते हैं यहाँ पर आकर खैर पहली इनिंग में फेल होना तो बहुत बड़ा सवाल नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप देखेंगे रोहित शर्मा का फैसला कि जब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कंडीशन इस तरीके का है तो क्या ये बैटिंग करना सही था, आप बॉलिंग जाकर सामने वाले को दबाव में लेकर आते? ये बात भी भाई देखिए उन्होंने ये सोचा ना कि चिन्ना स्वामी का ग्राउंड है यहाँ पर रन बनते हैं, तो सोच भी आपकी यही रहती है कि भाई ज्यादा से ज्यादा रन बनाए, एक टारगेट दें, अच्छा अच्छा स्कोर सेट करें, लेकिन वो भारत के हक में नहीं रहा क्योंकि आपने जल्दी विकेट गवा दिए, अगर भले ही इंडिया ने विकेट ना गवाए होते यहाँ पर भले या फिर एक विकेट होता और आपके बल्लेबाज सेट होकर खेल रहे होते तो ये हमें स्कोर इतना ज्यादा बुरा नहीं लग रहा होता। सुनील ओपी न्यूज कह रहे हैं कि भाई रोज लाइव आया करो, भाई सुनील ओपी भी आप भी लाइव आया करें, प्लीज आप लोग लाइक जरूर करें यार, यहाँ पर पोस्ट डाल दीजिए। और यहाँ पर वही वाली बात है कि यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि मुश्किल में ये मुकाबला और लोग भी कह रहे हैं कि ये टेस्ट मुकाबला या सेमीफाइनल मुकाबला है, जो भारत और न्यूजीलैंड का बात है वहां पर भी कुछ है ऐसा स्कोर था कि शुरुआत के बाद 3 विकेट जल्दी गिर गए थे, तो ये कई सारी चीजें सरफराज और विराट ने भी टीम इंडिया को यहाँ पर मुश्किल में डाला ही है क्योंकि जल्दी आउट होने के बाद। अब यहाँ पर देखना पड़ेगा कि जो नई पार्टनरशिप है जब खेल शुरू होता, अभी भी अगर आप देखें मैच शुरू नहीं हुआ है और जब ये खेल स्टार्ट होता है तो क्या एक पार्टनरशिप होती है, क्योंकि हमने बांग्लादेश वाले मुकाबले में देखा था कि पहले टेस्ट मुकाबले में अगर आप देखिए वहां पर पहले टेस्ट मुकाबले में जिस तरीके से पार्टनरशिप हुई थी अश्विन की, उन्होंने बचाया था, वहां पर भी टीम इंडिया मुश्किल में आ गई थी शुरुआत में अगर आप देखें, और वही एक ऐसा सेशन था जहां पर बांग्लादेश ने जीता था, लेकिन उसके बाद बांग्लादेश कहीं गेम में नहीं आ पाया था। न्यूजीलैंड ने यही किया है कि पहला सेशन नहीं बल्कि शुरुआत के जो 1 घंटा खेल हुआ है वहां ही उन्होंने लगभग लगभग मुकाबले पर अपनी पकड़ बना ली, कि इसको देखने के बाद आप यही कहोगे कि यार देखिए टीम इंडिया पर ऐसे खेलेंगे तो हार का खतरा बढ़ रहा है।
भाई मतलब जो आप जिस मैच की बात कर रहे हैं वहां पर भी देखे ऐसा ही कुछ था जहां पर यशस्वी जायसवाल के साथ ऋषभ पंत ने पार्टनरशिप की थी और इंडिया की जो बल्लेबाजी थी जो बिखर रही थी उसको संभाला था और वही आज भी है। मतलब आज अभी हुआ नहीं है लेकिन उम्मीद सभी को भारतीय फैंस को यही रहेगी कि यशस्वी जायसवाल और ऋषभ पंत एक बार फिर से वैसी ही पार्टनरशिप करें और फिर से एक बड़े स्कोर की तरफ इंडिया।